हेलो फ्रेंड्स, कुछ नए सीखे में आपका स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए सुपर इजी क्राफ्ट, जो आप किसी भी जेंट्स को दे सकते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, ग्रैंडफादर हो, हस्बैंड हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो। और उसके अंदर आप ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखकर आप अपनी फीलिंग्स को उन तक पहुंचा सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, किड्स भी इन्हें बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बेसिक चीजों से ये बनता है। इसके लिए हमें यूज होगा, हमारे पास है पेपर, कलरफुल पेपर एंड बेसिक पेंसिल, रबर स्केल एंड सीजर एंड टू हमें इसमें बटन्स चाहिए। अगर आपके पास बटन्स नहीं भी हैं तो भी हम उसे पेपर से बनाकर वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें A4 शीट लिया और A4 शीट को हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड नहीं करना है हमें इसे, मिड के निशान लगा देंगे जैसे इस तरह। ये अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, मिड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें इसे फोल्ड करना है। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, मिड को देखेंगे, ये मिड है, यहाँ पर है मिड हमारा, और हमने इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरीके से फोल्ड करना। अब हम इसे कोट कॉलर बनाएंगे। कोट कॉलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों का मेड देखेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से इसको हम कोट कर देंगे। इधर भी हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये देखिए ये हमारे कोट कॉलर बन गए हैं। और अपने कार्ड को होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इस पेपर को फोल्ड कर देंगे लाइक दिस। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। फिर ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ये देखिए कोला बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए A4 शीट और हम इसकी शर्ट बनाएंगे। अब शर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी लेंथ को यहां से लेके यहां तक हमें इसकी लेंथ को मेजर करना है। तो इस तरीके से मैं एक छोटा सा निशान लगा देती हूँ, ये देखिए छोटा सा निशान लगा देती हूँ। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, इतनी बड़ी हमें शर्ट बनानी है। तो हमें क्या करना है, इस शर्ट से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है, और कम से कम 1/4 इंच, ये जो स्केल होता है हमारा 1/4 इंच का होता है, इस स्केल से 1/4 इंच मतलब पूरा एक स्केल छोड़कर एक लाइन और ड्रॉ करनी है, इसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा पेपर को हम यहां से कट कर देंगे। अब हमें इसका मिडल देख लेना है, सॉरी हमें इसकी ब्रेथ भी देखनी होगी। ब्रेथ देखने के लिए हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे। आप चाहे तो स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, बट ये भी तरीका ठीक होता है। दोनों साइड साइन लगाया और कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेपर हमारे पास आया है इसका हम मिडल देखेंगे लाइक दिस। देखिए ये मिडल है। अब इस मिडल से लेते हुए हम 2.5 इधर, यहां से 2.5 इधर और 2.5 इधर एक निशान लगा देंगे, और इसी निशान तक हम दोनों साइड इसको कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया और हम इसे सिंपली इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये हमारी शर्ट रेडी हो गई है। देखिए शर्ट हम इसमें डाल
ये जो हमारी शर्ट बनी है ये ही आपका मैसेज वाला पार्ट है जहाँ पर आप कोई भी मैसेज देकर अपनी डियर वन को दे सकते हैं। ये देखिए अब हम इसकी टाई बनाएंगे। टाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रिप, लगभग ये 13 to 14 है, ये देखिए 14 सेंटीमीटर लंबी है ये। हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसमें एक वी मार्क लगा देंगे। इसे 20 सेंटर को हम मेजर करेंगे। हमें इसे कुछ इस तरीके से टाई की शेप दे देनी है। यहाँ से हमें इसे पेस्ट कर देना। देखिए पेस्ट हो गया है। पेस्ट होने के बाद हमें इसे थोड़ा सा इस तरीके से इधर से कट करना है और थोड़ा सा हमें इधर से कट करना है। जिससे ये हमारा प्रॉपर टाई की शेप में आ जाए। लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखिए बो की शेप बन गई है। सॉरी मैं इसे टाई कह रही थी। और ये हमें एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप और चाहिए और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। ये देखिए मैंने बो बना दी है और बो को थोड़ा सा हमने इस तरीके से फ्लपीनेस दे दिया है तो ये अच्छी सी बो बन गई है। और यहाँ पर हम इसे अब पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और इसके साथ ही हम यहाँ पर बटन्स को भी इस तरीके से यहाँ पेस्ट कर देंगे। इनको पेस्ट करने के बाद हमारे एक फाइनल चीज रह जाती है, हम इसकी पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए हमें एक पेपर चाहिए, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमें इस पे हैंकी की शेप को ड्रॉ कर देना है और इसे कट कर देना। ये देखिए मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, ये ट्रायंगुलर काट कर इस तरीके से पॉकेट पेस्ट कर दिया। डबल हमने इसलिए लिया है पेपर ताकि ये थोड़ा सा थिक नजर आए, एक हैंकी की शेप दे। ये देखिए बो भी कितनी प्यारी लग रही है और ये हमारा हैंकी सॉरी कार्ड बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए अच्छी अच्छी क्राफ्ट की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।